सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से नए ब्लॉग के साथ। शाम को हमारा ऐसे ही अचानक 4-5 लोग हैं, हमारा प्रोग्राम बन गया कहीं घूमने का, नाइट आउट ट्रिप पे जाने का। आज हम वहीं जा रहे हैं और अभी वैसे टाइम हो रहा है, दिन के 1 बज रहे हैं और जहाँ पे हम जा रहे हैं नाइट आउट ट्रिप के लिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें लगभग शाम के 7-7:30 बजे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। थोड़ा दूर है लेकिन काफ़ी जो है इन्जॉय होने वाला है, रास्ते में मज़ा आने वाला है। वीडियो को स्किप करके प्लीज़ ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे हम 4 लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, 5 लोग हैं हम, और एक जो है वो स्पेशल है कोई, मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। वीडियो पे बने रहें। अभी हम पहुँचने वाले हैं बोंटू गांव में। यहाँ पे हम दुकान में थोड़ा बहुत सामान लेंगे, उसके बाद चलेंगे। लगता हमने ले लिया है अभी, और अभी हम जा रहे हैं, बोंटू गांव से निकल चुके हैं। और जो मेरे साथी थे वो आगे चल रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। और ये जो आपको पीछे बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, ये है पावर हाउस। ये हाल ही में अभी जो नया प्रोजेक्ट था वो ही बना था, पिछले साल ही लगभग कंप्लीट हुआ है मेरे ख्याल से। मैं बता देता हूँ आपको मेरे साथ कौन कौन घूमने के लिए जा रहा है। अभी 4 लोग हम साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। पीछे है मेरे, ये है जीवन, और उसके पीछे है सुनील, और पीछे मेरे मामा जी है सोनू। अभी हम 4 लोग साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। और एक है हमारे साथ जूली, 5वीं, और मेरे साथ है मेरी जूली। जूली भी साथ में जा रही है, इसको भी मेरी तरह घूमने का काफ़ी शौक है, मेरे पीछे पीछे चलती रहती है, घर में भी है, तो आज मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ अपने साथ। अभी हम पाइप के ऊपर चल रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। सुनील पीछे है, बेझिझक चल रहा है, उसको डर नहीं लग रहा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। वैसे ये जो पाइप है पानी की पाइप है, वो प्रोजेक्ट वालों ने बिजली के लिए जो ये पानी यहाँ से लेके गए हैं इस पाइप के अंदर से, नीचे जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था उसी प्रोजेक्ट वालों की ये पाइप है। साइड लगभग मैं 4 साल बाद आया हूं, और 4 साल के अंदर अंदर यहां पे काफ़ी कुछ बन चुका है। ये देखिए, यहां पे भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस साइड भी काफ़ी कुछ बन चुका है। यहां पे लगभग मैं 3 साल पहले आया था, तब उस टाइम में यहां पे कुछ नहीं था, अभी 4 साल के बाद काफ़ी कुछ यहां पे बन चुका है। फाइनली अभी आधा रास्ता जो अभी हमने कम्प्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर अभी हम रेस्ट करने के लिए रुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको हम कहाँ पर पहुँचे हैं अभी, और ये है मंदिर, कपरालू वाली माता जी का मंदिर है ये। अभी आधा रास्ता यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से अभी लगभग 2.5 घंटे हमें और लगेंगे ऊपर पहुँचने में। ये देखिए मंदिर का पूरा व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, और साथी मेरे इस साइड बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर हैं। फाइनली अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से और थोड़ा सा 10-15 मिनट का रास्ता है जहाँ पर हमें जाना है।
सो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हम। ये देखिए, ये है रहने का जो भी है जुगाड़। यहाँ पे भी आप रह सकते हैं, ये भी खुला ही है अभी। और पीछे का व्यू आप देख लीजिए किस तरह का है। पूरा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का किस तरह का है। ये देखिए, ये देखिए, और ये साइड है, ये जो ऊपर आपको जंगल दिख रहा है, यहाँ पे है एक दीप नाम की जगह है। शायद हमारा प्रोग्राम बनेगा तो हम सुबह वहाँ पे भी जाएं। और यहाँ पे का जो अभी व्यू है पीछे पहाड़ का, गोल्डन कलर की जो अभी धूप लग रही है बिल्कुल। और स्नेल इस साइड है, वो मंदिर गया था अभी, तो अभी मैं भी जाऊँगा वहाँ पे मंदिर। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू किस तरह का है। देखिए, ये रहे पहाड़, और इस साइड भी देखिए पहाड़ है। और ये है रहने का जुगाड़, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। और इस साइड देखिए। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पहुंचना था। हम पहुंच चुके हैं अभी बग में। सो हमारा रहने का जो जुगाड़ था वो भी हमें मिल चुका है। ये रहा हमारा रहने का जुगाड़। जिस भी भाई की ये टपरी है, हम आज यहीं रुकेंगे। सो इसको टपरी बोलते हैं वैसे। मैं अंदर भी आपको दिखाता हूँ अभी किस तरह का व्यू है अंदर। और आज हम यहीं रुकने वाले हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मुझे भी अभी कैप वगैरह जो पहन लेनी चाहिए वो अभी मैं पहन लूँगा। और सुनील ने भी जैकेट वगैरह जो अभी पहन ली है। और हम यहीं पे ही यहाँ पे रात को बोन फायर करेंगे यहाँ पे। और सामान वगैरह भी बाहर रखा हुआ है, इसको हम अंदर रखेंगे अभी। और अंदर का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ से। अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो घर या घर है, बस इसको टपरी बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जाके किस तरह का व्यू है। मामा जी कुछ लेकर आए हैं शायद, इसमें हम पानी लेकर आएंगे, पानी का जुगाड़ करेंगे इसमें हम। और यहाँ पे अगर मैं अंदर चला जाऊँ तो अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है। ये है, आपको शायद नहीं दिख रही होंगी, अभी लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे, लाइट नहीं है। तो मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आपको यहाँ पे मैं आग जला के। और इस साइड है तो रहने के लिए यहाँ पे ठीक है। और अभी सबसे पहले हमें करना होगा खाने पीने का जुगाड़, आग वगैरह जलानी होगी, ठंड काफी ज्यादा है। और पीछे का व्यू आप देखिए किस तरह की, अभी गोल्डन कलर की धूप लगी हुई है। ये जो है पीछे ये मंदिर है। बाकी सुबह मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा यहाँ का किस तरह का व्यू है। और इस तरह भी आप देख सकते हैं, इस साइड भी एक टपरी है, और उस साइड भी है पीछे एक। और ये शायद जीवन वगैरह कुछ देख रहे हैं ऊपर। सबसे पहले हमें करना होगा थोड़ा बहुत लकड़ियों का जुगाड़ अभी। और ये देखिए, जीवन और सुनील कर रहे हैं रात के बिस्तर का जुगाड़। और आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का बिस्तर है, वो भी हम दिखाएंगे आपको वीडियो में, आप बने रहें। और थोड़े जो है हमने तोड़ लिए हैं, ये देखिए, इसको हम डालेंगे नीचे और उसके ऊपर कुछ और कंबल वगैरह डालेंगे। ये हमारा बिस्तर का जुगाड़ जो है वो हो जाएगा इससे। तो गाइस, सबसे पहले हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। लगभग 5 घंटे का जो ट्रैवल हम करके आए हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे बन रही है चाय। और ये रही चाय जो बन रही है, और मामा जी इसमें शायद पत्ती वगैरह जो डाल रहे हैं, और बाकी स्नील वगैरह इस साइड बैठे हुए हैं। लाइट की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं है। मामा जी दिख रहे होंगे यहाँ पे है, और जीवन यहाँ पे बैग में कुछ ढूंढ रहा है, सामान वगैरह निकाल रहा है। ये जो बर्तन वगैरह थे जितने भी थे, वो ये हम घर से ही लेकर आए हैं सब अपने साथ, जुगाड़ जो भी था। और लाइट तो मोबाइल में है ही थोड़ी थोड़ी, इससे हमारा चल जाएगा। और जीवन के पास है लाइट का काफी ज्यादा जुगाड़। कोड रखे जीवन। और अभी हमें किसी
बात की जो दिक्कत अभी आने वाली नहीं है, टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है, जी क्योंकि मेरे अभी काल यहाँ बड़ा देखता हूँ है। मैं अंदर का व्यू, टपरी के अंदर किस तरह का जो वो लोगों ने मतलब कितनी अच्छी तरीके से इनको मेंटेन करके रखा होता है, किस तरह से सामान रखने के लिए जो वो सेल्फे वगैरह जो बनाई होती है, मतलब घर से भी जो हमारे सबसे अच्छा जुगाड़ यहाँ पे होता है। फाइनली मैंने जूली को भी बैठने का जो जुगाड़ था मैंने बना दिया है, इसको भी तो रात को अब यहीं बैठेगी है। अभी भी इसको नींद लग रही है, देखना थकी हुई लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तो आज रात ये यहीं कटेगी। मैं सो गई है अभी। तो फाइनली चाय हमारी तैयार हो चुकी है, सुनील जी चाय का जो है वो मज़ा ले रहे हैं अभी। तो मामा जी चाय डाल रहे हैं और जीवन के हाथों में है ये थोड़े बहुत बन, ये खाएंगे हम चाय के साथ। मैं तो खा रहा हूँ और मैं अभी प्याज जो वो काटने की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़े से मैंने काट लिए हैं। बोले बोले बात चाहिए। चलिए मैंने अभी दाल को जो है वो तुड़का डाल दिया हुआ है, दाल अभी पक रही है। और ये रहा हमारा सोने का जुगाड़ यानी कि बिस्तरा। ये हमने पहले घास जो है इसके ऊपर डाले, पत्ते वगैरह इसके ऊपर हम कंबल वगैरह डालेंगे और इसके ऊपर ही आज हम सोएंगे। और अंदर का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह का, ये देखिए इस तरह का है। और इस साइड है चूल्हा वगैरह है, ये देखिए मामा जी बना रहे हैं अभी चाय। और जूली बेचारी आज थोड़ी परेशान लग रही है क्योंकि थक चुकी है ये भी काफ़ी ज़्यादा, पहली बार इतनी दूर ट्रैवल किया है इसने भी, तो थोड़ी सी थकी हुई लग रही है, रेस्ट कर रही है अभी बेचारी। और इस साइड है जुगाड़ कुछ, और इस साइड है बाहर जाने का रास्ता यहाँ से। और यहाँ पे चल रही है एक गेम, टाइम पास के लिए हम खेल रहे हैं यहाँ पे गेम सीप, ये देखिए। गाइस अभी काफी जोर से अर्थक्वेक हुआ है, मतलब काफी देर तक और काफी जोर तक, तो हम थोड़ा सा डर गए थे, पर चलो अभी कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फाइनली अभी डिनर का टाइम हो चुका है और अभी मैं डाल रहा हूँ खाने के लिए। चावल हमारे इतने अच्छे बने नहीं है, लेकिन अगर इस जगह इस तरह का खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने वाली बात आ जाती है। दाल हमने मसूर की बनाई हुई है कि लोग भी आग सेक रहे हैं, आग काफी ज्यादा जली हुई है। और इस साइड है मामा जी लाइटर करती, और इस साइड है सुनील हाई कर रहे हैं सबको। और बिस्तरा लगभग हमारा रेडी है, बस सोना ही है। तो अभी हम खाएंगे गच्चक, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। सो अभी बन रही है हमारी सुबह की चाय, वो भी कुकर में, ये देखिए अभी पत्ती उबल रही है, दूध अभी डाला नहीं है इसमें।
सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई सुबह के साथ, पहाड़ वाली चाय के साथ, कुकर वाली चाय के साथ, पहाड़ की इन हसीन वादियों में। ये देखिए सुबह हो चुकी है और जहाँ पे हम रुके थे ये वो जगह है जहाँ पे हम रुके थे, और पहाड़ों पे अभी बस सनराइज होने ही वाला है, धूप निकलने ही वाली है। इस तरह का सनराइज देखने के लिए आपको पहाड़ों में आना ही पड़ेगा, तभी आप इस तरह का जो सनराइज देख सकते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको चारों साइड का व्यू किस तरह का है। ये देखिए वो है मंदिर, और इस साइड जंगल है ऊपर की साइड, और इस साइड भी कुछ टपरियां हैं, और इस साइड देखिए इस साइड भी जंगल है, और ये वो साइड है जिस साइड से हम आए थे, और वो है थोड़ा सा प्लेन इलाका, शायद हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं आज। और अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ पहाड़ वाली चाय, मतलब यानी कि कुकर वाली चाय, ये कुकर में बनाई थी हमने, गिलास थोड़ा बड़ा है लेकिन चाय इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। नील जी यहाँ पे गेम खेलते हुए सुबह सुबह, गेम कौन सी है पता नहीं, ये देखिए। फाइनली अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, जितना एंजॉय करना था यहाँ पे हमने कर लिया है, और यहाँ पे जिस भी ये भाई की टपरी थी हमने पूरी यहाँ पे सफाई वगैरह जो कर दी है प्रॉपर तरीके से। सो यहाँ पे हमें रहने का जो जुगाड़ था वो प्रॉपर तरीके से मिला था, सो हमने सफाई वगैरह भी यहाँ पे कर दी है। सो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं वापस घर, थोड़ा इंजॉय अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये देखिए पीछे का व्यू, ये देखिए ये फोटो वगैरह यहाँ पे खींच रहे हैं बाकी लोग। फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं घर में, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस ट्रिप पे इंजॉय आया है हमें। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।